देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, ट्वीट कर कहा देश का भविष्य उजाड़ रही सरकार। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भीतरघातियों और विरोधियों पर किया सियासी हमला, एक के बाद एक तीन ट्वीट कर लिखा दलितों में भी स्वार्थ की कमी नहीं, मेरे रिश्तेदार भी मतलबी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, सिंगापुर जाने की अनुमति न मिलने पर जताई नाराजगी, विश्व स्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत करना था दिल्ली मॉडल। विपक्ष आज कर सकता है उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट की घोषणा, दोपहर 3 बजे शरद पवार के घर होगी बैठक, एनडीए ने शनिवार को किया था उम्मीदवार के नाम का ऐलान। टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री पद से दिया इस्तीफा, सीएम भूपेश बघेल ने इस्तीफे के बाद दिया बयान, कहा नहीं मिला इस्तीफा, फोन किया लेकिन नहीं हो पाई बात। भारत चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य बातचीत जारी, एलएसी गतिरोध से जुड़े मसलों का निकाला जाएगा हल, इससे पहले 11 मार्च को हुई थी वार्ता। इंडिगो प्लेन की कराची में लैंडिंग, शारजाह हैदराबाद फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते गया उतारा, 2 हफ्ते पहले स्पाइस जेट का प्लेन भी यही उतारा गया था। कोरोना से जंग में भारत ने रचा इतिहास, 200 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ पार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। भारी बारिश के बाद अब तूफान मचाएगा गुजरात में कहर, गुजरात तट से 70 किलोमीटर दूर अरब सागर में उठे तूफान के कारण चल रही तेज रफ्तार से हवा, ओमान की ओर बढ़ रहा तूफान। कोरोना मामलों में फिर इजाफा, आज भी 20,528 से ज्यादा नए केस आए सामने, 39 मरीजों की गई जान। श्रीलंका में भुखमरी जैसे हालात, खाने से लेकर टॉयलेट पेपर तक खत्म, आर्थिक संकट के बीच ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसकारा का बड़ा बयान, कहा अभी तक भारत ही एकमात्र देश है जिसने इस संकट में श्रीलंका की कई बार की मदद। आर्थिक संकट से गुजर रहा पड़ोसी देश, डूबते पाकिस्तान को विश्व बैंक ने दी बड़ी राहत, कृषि क्षमता को बढ़ाने के लिए $20 करोड़ की दी मंजूरी। एलन मस्क और ट्विटर के बीच बढ़ रहा विवाद, एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को भेजा धमकी भरा मैसेज, लिखा तुम्हारे वकील बातचीत का इस्तेमाल परेशानी के लिए कर रहे, इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। ब्रिटेन में पीएम पद के दावेदारों में ऋषि सुनक सबसे आगे, दूसरी डिबेट आज, कंजर्वेटिव पार्टी के 5 दावेदार ब्रिटेन का अगला पीएम बनने की होड़ में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, मोहम्मद पैगंबर के कथित अपमान वाली पोस्ट से भड़के कट्टरपंथी, हिंदुओं के घर और मंदिर में लगाई आग। इस हफ्ते भी सस्ता हुआ सोना चांदी, सोने में 521 रुपए की गिरावट दर्ज, चांदी भी 1700 रुपए से ज्यादा फिसली। इंस्टाग्राम अब नहीं रहा फ्री, पोस्ट के लिए भुगतान प्रोग्राम से सब्सक्राइबर चेक, एक्सक्लूसिव पोस्ट, रील्स और एक्सक्लूसिव टैब भी शामिल। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज, 8 साल बाद इंग्लैंड की धरती पर सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। केसरिया सॉन्ग का फुल वर्जन हुआ रिलीज, रणवीर आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र का मोस्ट अवेटेड गाना हुआ रिलीज, 45 मिनट में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने सुना। अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म हिट ने दूसरे दिन दिखाया कमाल, दूसरे दिन 2 करोड़ से ज्यादा का किया बिजनेस, जबकि पहले दिन 1 करोड़ 35 लाख की थी कमाई।